सानी मिलना हुआ है महाल आपका, सानी मिलना हुआ है महाल आपका, हुस्न ऐसा है कुछ बेमिसाल आपका, हुस्न ऐसा है कुछ बेमिसाल आपका, हुस्न यूसुफ पर न होती फिदा कभी, हुस्न यूसुफ पर न होती फिदा कभी, देखती गर जुलेखा जमाल आपका। बारगाह रिसालत महाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने के बाद मैं जमात सुवम के तालिब इल्म सऊद शेख उबैद को दावत देता हूं कि वो आए और तकरीर पेश करें। आपकी अम्मी सैयदना आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह को
इसी तरह तकरीर पेश करने के लिए दावत देता हूँ मसीरा शेख मुजीर को, जो जमात पंजुम की है और मुशीर नदवी यानी मेरी क्लास की तालिबा है। मसीरा शेख मुजीर, वो आए और औरत के मुकाम पर तकरीर पेश करें। मौजूद हाजरीन, औरत को अल्लाह ताला ने एक मकाम अता किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अता किया। अगर वो खाला के दर्जे में होती है तो फरमाया अल खालतु बिमंजिलति उम्मी, खाला माँ के दर्जे में है। अगर वो माँ की शक्ल में होती है तो फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, के माँ के कदमों तले जन्नत है। अगर वो बेटी के रूप में होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आलिया आला जारियतैने अना वहुवा फिल जन्नत जन्नती हाकज़ा ज़म्मा असाबिअहुल युम्ना वल युस्रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपनी दो बेटियों की किफालत करें और उनको अच्छी तालीम दे, और अच्छी तालीम देने के साथ उनको अच्छी घर शादी कर दें और उनका ख्याल रखें, तो ये तालीम देना और बच्चों की किफालत करना, लड़कियों की किफालत करना, उसका सवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे जैसे दो उंगलियां आपस में मिली हुई होती है। इसका मतलब ये है कि जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस हमको नसीब होगा। तो बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने औरत का ये मुकाम अता किया। और एक सहाबी ने फिर पूछा अल्लाह के रसूल, अगर किसी की एक बेटी हो और वो उसकी किफालत करे, तो फरमाया कि एक बेटी की भी यही फजीलत है कि वो जन्नत में मेरा पड़ोस उसको नसीब हो गया, तो बड़ी बरकत की बात है। इसी उनवान पर मसीरा इब्ने शेख मुजीर आपके सामने ये तकरीर पेश कर रही है, बगौर समाअत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हम माएँ हैं, हम बहने हैं, हम बेटियाँ, हम इज्जत है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? इस्लामी मालूमत, दीने इस्लाम की बातें जान लेने को इस्लामी मालूमत कहते हैं। सवाल सिद्दीक़ सहाबी का लकब है। जब आप सिद्दीक़ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का लकब है। सवाल इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या नाम था? जब आप इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दुल काबा था। सवाल इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या नाम रखा गया? जवाब इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला रखा गया। सवाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन सी सूरह पढ़कर इस्लाम लाए? जवाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सूरह तौबा पढ़कर इस्लाम लाए। सवाल मुसलमानों ने सबसे पहले काबे में नमाज कब पढ़ी? जवाब मुसलमानों ने सबसे पहले काबे में नमाज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद पढ़ी। सवाल किस नबी को मछली ने निगल लिया था? जवाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था।
था। सवाल, किस नबी की जिनों और हवा पर भी हुकूमत थी? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिनों और हवा पर भी हुकूमत थी। सवाल, कौमे आद के नबी कौन थे? जवाब, कौमे आद के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे। सवाल, कौमे समूद के नबी कौन थे? जवाब, कौमे समूद के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे। सवाल, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम किस शहर की तरफ नबी बनाकर भेजे गए? जवाब, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम मदीन शहर की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। खाने की चौदह सुन्नते, नंबर एक दस्तरखान बिछाना, नंबर दो दोनों हाथ घट समेत बोला, नंबर तीन एक जाने दो जाने बैठना, नंबर चार एक लाकर खाना, नंबर पाँच खाना खाने से परिंदा पढ़ना, नंबर छह दाएं से खाना, नंबर सात والشاها والسلام
ثمود بتغواها ذمة أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها माशाल्लाह। अब इनके बाद हेलो 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 माइक ऊपर पकड़ो माशाल्लाह। ये तालिबात आपके सामने कुराने करीम कितने साल में नाजिल हुआ जवाब कुराने करीम 23 साल में नाजिल हुआ सवाल कुराने करीम में कितने पारे हैं जवाब कुराने करीम में 21 पारे हैं सवाल कुराने करीम में कितनी सूरते हैं जवाब कुराने करीम में 114 सूरते सवाल जन्नत के दारोगा मुहाफिज का नाम क्या है जवाब जन्नत के दारोगा मुहाफिज का नाम रिजवान है सवाल जहन्नम के दारोगा का नाम क्या है जवाब जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक है सवाल अबुल बश्र किस नबी को कहा जाता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तक दीन की दावत दी जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दीन की दावत दी सवाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब आया जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब से बचने के लिए क्या किया था जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब से बचने के लिए अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई थी सवाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ पर ठहरी सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हुई
माशाल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज। मगरिब ईशा
रखा तो सीता रख लम्बा रे फजर में कमाल में सारा काटे हैं लम्बा तो जोर की नमाज में बारा काटे हैं लम्बा दिन असल की नमाज में आठ काटे हैं लम्बा चार मगरिब की नमाज में सात काटे हैं नंबर पाँच ईशा की नमाज में सात काटे हेलो।
जिसका हम बल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम बल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, हमको जैसे है वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या अचीकान नबी का दिल की सदा, अचीकान नबी के साए में घर चाहिए। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मदीने की जानिब न कैसे की तो मेरा दीनों